रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी को शांत करने के लिए अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें आगाह किया कि रूस की सेना बहुत कम समय में हमला कर सकती है। रूस के करीब 100,000 सैनिक यूक्रेन से लगी सीमा पर तैनात हैं, लेकिन उनके कमांडरों का कहना है कि उनके पास हमला करने का कोई प्लान नहीं है। यूक्रेन पर रूसी हमले के खतरे को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन को $200 मिलियन की अतिरिक्त रक्षा सहायता करने की स्वीकृति दी है। एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात के दौरान जेलेंस्की ने मदद के महत्व पर जोर दिया और नाटो में शामिल होने की अपने देश की महत्वाकांक्षाओं को दोहराया। नाटो में शामिल होने की कोशिश से ये विवाद भड़का है। यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन नाटो में शामिल होना चाहता है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो के अन्य देश खुलकर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, यूक्रेन को हथियार और सैन्य प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं रशिया को ये मंजूर नहीं कि नाटो संगठन उसकी सीमा तक पहुंच जाए। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रोकने के लिए रशिया ने उसकी सीमा पर भारी हथियारों के साथ 100,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका और रशिया के अधिकारियों के बीच बातचीत भी चल रही है। रशिया ने अमेरिका से इस बात की गारंटी की मांग की है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। कीव की यात्रा के बाद एंटनी ब्लिंकन शुक्रवार को जेनेवा में रशिया से विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को यूक्रेन पर हमला करने की स्थिति में रशिया को नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। फिलहाल हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।